सो गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू द चैनल इंटरेस्टिंग चीज़ें मार्केट में यहाँ पे हो रही हैं जिनकी आज हम बात करेंगे सो so, फाइनेंस को लेके न्यूज़ है जेमिनाइज एन एस को लेके न्यूज़ है गूगल की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया और यू के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन की भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे विदाउट वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वेरी क्विक क्विक्लेमर क्रिप्टो करेंसीज जो है वो अनरेगुलेटेड और काफी रिस्की हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का रेगुलेटरी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो कंप्लीट रिस्क एंड रिस्पांसिबिलिटी आपके हाथ में रखें एंड इन वीडियोज़ को जो है आप एजुकेशनल वीडियोज की तरह ट्रीट करें ना कि फाइनेंशियल एडवाइस तो विदाउट गाइस स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंस से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे बाई स की तरफ से जो एक बड़ा फंडा निकल कर आया है ये कल रात को निकल कर आया वो है कि बाइनेंस जो है टेम्परिरीली बैंक ट्रांसफर्स इन यू एस डॉलर्स को जो है सस्पेंड करेगा आठ फेबररी से सो so, दो दिन पहले उन्होंने यहाँ पे न्यूज निकाली है एंड बाय द वे ये बायंस यूएस के लिए नहीं ये बाइनेंस डॉट कॉम के लिए है एंड This might have to do with banks not collaborating properly, and especially because ये binance.com डॉट कॉम है यहाँ पर हो सकता है बैंक्स को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप यू एस डॉलर में डील नहीं करोगे बाइनेंस के साथ या क्रिप्टो में तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक जो है अपेरेंटली क्रिप्टो के लेके जो है बैकआउट कर रहे हैं एंड हमने ये नोटिस किया है विद अदर फैट करेंसीज़ एज वेल सो दिस विल भी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये कितना जल्दी यहाँ पर रीस्टोर करते हैं इसको बिकॉज बोलते रहे हैं कि टेम्परेरी होगा और बहुत ही जल्दी हम इसको रीस्टोर भी कर देंगे बट असली जो सिचुएशन का जो या रादर असली सिचुएशन कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है वो हमको पता चले कि एक बार ये सस्पेंड हो जाए उसके बाद कितने दिन इनको लगते हैं इसको वापस लाने में विल ओनली टेलस कि यहाँ पे बैंक्स की तरफ से क्या सपोर्ट बाइनेंस को देखने को मिल रहा है तो एंड uh, लोगों में ज़्यादा पैनिक वगैरह इस चीज़ का है नहीं ऑल्सो बिकॉज यू डॉलर जो है बाइनेंस डॉट बहुत कम लोग यूज़ कर रहे थे अपेरेंटली that guy's moving on to australia and uk gajo uh, crypto टैक्स है उस चीज़ को लेके कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है सो यू के में तो ऑफकोर्स हमको पता है लंदन को जो है मोस्ट क्रिप्टो रेडी सिटी भी यहाँ पे बोला गया है बट ऑन दी अदर साइड ऑस्ट्रेलिया की अगर हम टैक्स की बात करें तो वहाँ पे ऑफ़कोर्स यू के की तरफ से भी हमको चीज़ें आई हैं बट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पे जो चीज़ शायद इंडिया भी फॉलो कर सकता है टाइम ही बताएगा बट वो है टेक्सोनी फॉर फोर टाइप्स ऑफ क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो इसमें क्या आएगा क्रिप्टो एसेट की सर्विसेज इंटरमीडिएटेड क्रिप्टो एसेट्स नेटवर्क के टोकन्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसको चार पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है तो टेक्सोनोमी में बेसिकली यही है कि यार उसका नामिन क्लेचर कर देंगे मतलब ये ये है ये ये है कैटेगरीज बना देंगे और उन कैटेगरीज के हिसाब से टैक्सेशन और जो भी आगे का प्लान है उनका वो सेट होगा अकॉर्डिंगली विच इज़ विच विल बी इंटरेस्टिंग टू सी किए कैसे यहाँ पे पुश होता है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज एंड जेनेसिस हंड्रेड मिलियन डॉलर्स का अग्रीमेंट यहाँ पे आया है आपको याद ही होगा काफी हमने एक्सटेंसिवली इस पूरे इशू को कवर किया है तो यहाँ पे अभी अर्न प्रोग्राम का जो था वहाँ पे हंड्रेड मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे आ रहा है इसके अलावा डी जो है वन बिलियन का नोट जो है वो यहाँ पे पुश करेगा फॉर द स्टॉक और वन बिलियन डॉलर्स को रिफाइनेंस करेगा इन लोन्स एज वेल तो एक अग्रीमेंट अब देखने को मिला इतने सब टंटे के बाद जब पहले ये विंकल वॉज लेटर पे लेटर निकल रहा था तब कुछ भी नहीं था बट स्टिल उसने जो है यहाँ पे एक आ, यहाँ पे काफी सारे हम लोगों को अपडेट देखने को मिले और उसने अभी यहाँ पे अपडेट भी डाल दिया है जो कि आप ट्विटर पर चेकआउट कर सकते हैं विच विजवल भी इंटरेस्टिंग विजुल भी इंटरेस्टिंग जेमिना जो है हंड्रेड मिलियन ज्यादा और कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे यूजर्स के लिए सो लेट्स हाउ दिस होल थिंग पैनज आउट ये पूरी की पूरी मार्केट ने इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कंपनीज के लिए टू टू व्हेन इट कम्स टू मेंटेन मनी एंड एंड सॉल्वेंसी में तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले छः सात महीने में और कौन सी कंपनीज यहाँ पे अंडर जाती हैं या बैंक्रप्सी फाइलिंग में जाती हैं लास्टली गाइस गूगल ने जो है बार्ड अनवेल किया है जो कि चैट जी के साथ कंपीट करेगा तो ये तो होना ही था राइट right? एंड ट हैपन्स अब यह बार्ड आएगा तो फिर आपको और जो है पाँच छः सौ बार्ड वीडियोज भी देखने को मिल जाएंगे हाउ बार्ड विल चेंज योर लाइफ हाउ बार्ड विल टेक अवे ऑर जॉब राइट right? तो हम बात करेंगे इस बारे में इस, वो वीडियोस आने दो तो सबकी तरफ से फिर हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे बार्ड आपकी जॉब आपसे नहीं ले रहा है जैसे चैट जीपीटी भी आपकी जॉब आपसे नहीं छीन सकता मैं बात की है इस पर एंड आई विल गेट इनटू द डिटेल्स दिस टाइम ऑन फाइनेंशियल फंड सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना यहाँ पे कि क्या होता है आ, इसके अलावा गई कल मैंने एक वीडियो किया था फाइनेंशियल फंडा चैनल पे विच आई वांट टू शेयर आई थिंक वो एक कॉमन फीलिंग है यहाँ पे वो आप चेकआउट ज़रूर करें आ, अगर लाइक हम लोग अपने आप को बहुत बार फेलियर समझते हैं सो आई डू वांट टू शेयर दैट वीडियो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में छोड़ दूंगा एंड इट्स इट्स अ वेरी कॉमन फीलिंग बट बहुत सारे लोग उसके बारे में बात नहीं करते तो डू चेक दैट वीडियो आउट राइट सो विदाउट गाइस चलते हैं बिटकॉइन की तरफ एंड देखते हैं यहाँ पे बिटकॉइन में क्या चल रहा है जिसकी वजह से हमें को बाय द वे ऑल्ट कोइंस में भी हल्का हल्का ठीक ठाक थोड़ा सा रिलैक्सड मूव देखने को मिल रहा है तो विदाउट डोमिनेंस पर पहले बात करता हूँ तो डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट फोर आर कैंडल जो चल रही है जो रैप अप होने वाली है अभी उसमें डोमिनेंस ने जो है ट्वेंटी वन ई से यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन लिया है विद द सपोर्ट लेवल एट अबाउट फोर्टी थ्री पॉइंट फोर वन जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा ऑल्टकॉइंस में भी रिलीफ देखने को मिला है विद बिटकॉइन प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पे फोर फोर आर चार्ट में बट बिटकॉइन के पास जो इमीजिएट रेजिस्टेंस है दोस्तों वो एक तो ये हमारी लाइन जो हमने खींच रखी है बन जाती है बट मोटा मोटा जो है ये लाइन प्लस जो ट्वेंटी वन हमारे पास ऊपर है ट्वेंटी लेवल पे वहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस बन जाता है है फॉर बिटकॉइन सो वील हैव टू सी कि बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है एंड एटलीस्ट इन द फोर आर चार्ट क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिल रहा है तो ये काफ़ी टफ होने वाला है बिटकॉइन के लिए अभी तो अभी थोड़ा सा देखते हैं आप चाहे तो थोड़ा वेट कर सकते हैं देख सकते हैं कि बिटकॉइन कैसे कंसॉलीडेट करता है इस लेवल के आसपास एंड देन यू कैन टेक द कॉल बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर बिटकॉइन के ऊपर जाके रेजिटेंसिस को तोड़ के यहाँ पर क्लोज करना है तो ऑन द सपोर्ट लेवल हमारे पास जो सपोर्ट करंटली बना हुआ है मेरे हिसाब से वो ट्वेंटी का सपोर्ट बन रखा है बट बिकॉज मूवमेंट का जगह नहीं मिल रहा है बिटकॉइन को तो ये एक तरफ ब्रेकआउट तो लेगा ही लेगा अब अगर अपसाइड ब्रेकआउट उसको लेना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड का लेवल जो है वो स्ट्रॉग रेजिस्टेंस हो सकता है अगर डाउन साइड पर यहाँ पर हम लोगों को टूटता हुआ नजर आता है तो डाउन साइड पर इमीजिएट जो सपोर्ट है इस वो ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एक देखने को मिलती है उसके बाद इमीजिएटली मेरे हिसाब से तो ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रेंज देखने को मिलता है एंड अगर वॉल्यूम ऐसा ही रहा और आने वाले कुछ दिन बुरी हालत रही तो फिर आई डू थिंक यहाँ पे ट्वेंटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड लेवल जो है हम लोगों को आ, देखने को मिल सकता है इसको हम चाहे तो थोड़ा सा आउट करके भी देख सकते हैं आप डेली में जो है ई की बात करो तो ट्वेंटी हमारे पास ट्वेंटी गुड शॉर्ट टर्म सपोर्ट एज वेल तो वो भी हम उस पर भी हम यहाँ पे नजर रखे रहेंगे ऑन द डाउन साइड जस्ट इन केस अगर वॉल्यूम हम लोगों को आधे एक दिन में और नहीं देखने को मिलता है तो इन जनरल वॉल्यूम जो है मार्केट में थोड़ा कमी नजर आ रहा है है एंड आप एस एन पी फाइव भी इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा एस एन पी जो करंटली है वो करंट एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे बना हुआ है एंड उसने एक बाउंस लेके सपोर्ट लेवल बनाया ट्वेंटी वन ई पे इन द फोर आवर पीरियड तो जब मार्केट यूएस की ओपन होती है तब हमें देखना होगा कि यहाँ पे उस सपोर्ट से और हमको अपवर्ड मूवमेंट बाउंस देखने को मिलता है या नहीं एंड दैट कैन कॉरेस्पॉन्ड विद बिटकॉइन का अपवर्ड मूवमेंट एज वेल मार्केट में जो बाउंस आना है जो वॉल्यूम आना है उसके साथ को इनसाइड यहाँ पर करने का चांस है वे दैट गाइज आज हम एक लाइव सेशन भी करेंगे कुछ बड़ा आने वाला है आप उसके लिए ज़रूर तैयार रहें एक अच्छी इंटरेस्टिंग बड़ी अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम में तो मैं कुछ टाइम के बाद जब वो शेड्यूल करूँगा तो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा तो उसके लिए भी आप बने रहें रात को करेंगे वो लाइव तो देर इज़ इंटरेस्टिंग देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग इन दैट लाइफ मिलते हैं GUYS, दूसरे वीडियो में आज आई होप ये मॉर्निंग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कोशिश अब ये रहेगी कि थोड़ा और अर्ली कर दें हम वीडियोस को जो है आठ बजे की लाइन में ले आएँ एंड बेस्ड ऑन आपका फीडबैक तो आने वाले एक दो तो दिनों में मैं जो तो है टाइमिंग थोड़ा शिफ्ट करना स्टार्ट करूँगा सो थैंक यू लॉड फॉर आप लोगों को फीडबैक ऑन द लास्ट वीडियो का एंड चैनल में बने रहने के लिए वंस अगेन थैंक्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर